वायरल हो रहा है, सपा के युवा नेता फहद आजमी के खिलाफ एक महिला ने आरोप लगाया है कि उन्होंने उसके साथ बदतमीजी की। ये बदतमीजी जहां पर हुई है वहां की कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी है, वो बताएंगे कि पूरा मामला क्या था। कुछ नहीं, वो लोग मामला आए थे कंप्लेंट लिखाने, गटर नाला भर गया है और फहद आजमी इधर था नहीं, वो लोग उद्घाटन में गए थे अपने ऑफिस में 14 नंबर रोड पे थे और वो लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे, कोई नहीं था कि वो लोग है नहीं तो बोले 12:20 हो गया है, बस 12:30 तक का नहीं आएगा तो उसका बहुत बुरा अंजाम होगा। जो फहद आजमी जी को लोग धमकी दे रहे थे, मतलब धमकी दे रहे थे और ऊपर जो चढ़ा है आसमान पे उसको नीचे से गिरा के घुटने से चलाए गए। ये किसने कहा था? ये वो दोनों लड़के लोग बोले थे। और क्या 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 बोल रहे थे वो लोग? यही सब बोल रहे थे कि 12:30 तक का नहीं आया ना तो बहुत बुरा अंजाम होगा। और कौन था वहाँ यहाँ पर जो बता सकते हैं हमको, मतलब यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे कोई था भी नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं था। हाथा पाई होगी तो तुम लोग जाना नहीं, भागना नहीं, डट के रहना, वीडियो निकालना, ये करना, हम लोग निकालेंगे झगड़ा और तुम लोग भी लड़ना। कौन बोल रहा था ऐसा? कौन आदमी लोग बोल रहे थे? 3-4 आदमी, एक टकला है ना, वो ज्यादा बोल रहा था। हाथा पाई तो कोई जाना नहीं, तो वो अभी हमारे बच्चों को मारा, चांद नाम का लड़का बैठा था वीडियो खेलते, उसको पकड़ के मारने लगा, बोला ये क्या भाई, उसको पकड़ के मार दिया, वो मारा तो बचेगा क्या, फिर उसको भी हम मारे। तो आप लोगों ने उनको मारा? मतलब आप लोग के यहाँ पे आगे मतलब कोई हाथ लगाया नहीं लेडीज को? कोई लड़की को बोला कपड़ा फाड़, और टकला खुद बोला तू कपड़ा फाड़ और फोड़ अपना। और अभी भी चौकी में, और मैं चौकी में भी मैं मैडम से बोल के आयो ये बात, अभी भी वो बोल रहा था कि आप भी थे वहाँ पर। यहाँ पर मतलब ये जो मामला था इसके बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे। हाँ देखिए, मेरा नाम शफीक है, मैं यही एरिया में रहता हूँ और जब ये पूरी घटना हुई ना यहाँ पे मैं मौजूद था। पूरी घटना को मैंने बहुत ही नज़दीक से देखा हूँ। क्या हो गया, यहाँ पे 8-10 लड़के लोग आए और उनके साथ में एक मैडम थी, ठीक है। उन लोग यहाँ पे चिल्लम पुकारा कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, फहद आजमी को हम लोग देख लेंगे, ऐसे उल्टे सीधे नारे लगा रहे थे। जबकि यहाँ पे कोई मौजूद भी नहीं था, ना भाभी थी सायरा फहद आजमी, उनकी वाइफ ना वो थे और ना नेताजी थे यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा नारा लगा रहे थे, तो हम लोग ने थोड़ा कंट्रोल करने की उनको कोशिश की, लेकिन हम लोग से कंट्रोल उन लोग नहीं हो पा रहे थे क्योंकि उन लोग एकदम प्लानिंग से आए थे कि हम लोग कुछ यहाँ पे हाँ लफड़ा करेंगे, यहाँ पे बड़ा आंदोलन करेंगे, यहाँ पे मतलब बेइज्जत करेंगे, ऐसा उन लोग प्लानिंग लेके यहाँ पे आए थे। तो हम लोग ने तुरंत डर के हम लोग ने सायरा भाभी को फ़ोन लगाया। सायरा भाभी दवाखाने में थे, वो मौके वारदात पर तुरंत ऐसा सुन के ना हम लोग के कॉल से फटक से यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे आने के बाद उनसे वो अच्छे से बात कर रहे थे, सायरा भाभी उनको रिस्पेक्ट भी दे रहे थे, चलो क्या मसला है तुम्हारा, गटर नाले का है जो भी है, अपन बैठ के यहाँ पे शॉर्ट आउट करेंगे, प्लॉट के अंदर आ जाओ, वहाँ पे रोड पे अच्छा नहीं लग रहा है, भीड़ इकट्ठा मत करो। बहुत ही अदब से फहद भाई की वाइफ ने उनसे बात की, लेकिन वो बदतमीजी करते हुए जा रहे थे, बोले नहीं हम लोग यहीं रोड पे ही बात करेंगे, हम लोग को यहीं फैसला चाहिए। देखिए गटर नाले का जो भी मसला होता है वहाँ पे ऑफिस है, अभी तो कार्यकाल भी खत्म हो गया नगर सेवक का, 1 से 1.5 साल हो गया, तो यहाँ पे पहली बात तो यहाँ रहते हैं, यहाँ पे घर है, यहाँ पे आगे चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो रोड है ये पूरा देखिए, अब ये रोड पे 4-5 स्कूल है बच्चों की, यहाँ पे मतलब वो स्कूल का भी टाइम था और बच्चे लोगों को तकलीफ भी हो रही थी आने जाने में, और पूरा ट्रैफिक जाम हो गया था, ठीक है। इसके लिए उनको बहुत अच्छे से हम लोग ने समझाया कि आप आइए ऑफिस में, आप यहाँ तक के आइए। तो मतलब उनकी ये घटना के कारण काफ़ी लोगों को मतलब ट्रैफिक का सामना, बहुत 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 ट्रैफिक का सामना पड़ा। मैं खुद वो दो तीन जन जो आए थे, मैंने खुद ही नहीं, वो जो दो तीन लोग आए थे मैंने खुद उनसे कहा कि भाई देखिए आप यहाँ पे आइए, आप आगे अंदर चलिए, ऑफिस में वहाँ बैठ के आपका जो भी प्रॉब्लम है नाले का वो शॉर्ट आउट हो जाएगा, वहाँ पे आगे हम लोग काम करेंगे उस पर, लेकिन उन लोग मानने के लिए तैयारी नहीं। युवा नेता फहद आजमी जी अभी कहाँ आ रहे हैं वो, लेकिन देखिए मैं तो यही बोलना चाहता हूँ, रफीक नगर वार्ड बहुत बड़ा वार्ड है, ठीक है, छोटा मोटा तो है नहीं, और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं तरक्की की ज़रूरत है, फिर भी जितना हो सका फहद आजमी उससे ज़्यादा वहाँ पे काम करते, हर वक्त हमारे साथ में जब बैठते तो अपने वार्ड की ही चिंता वो जताते रहते कि हमको ये करना है वो करना है। देखिए लॉकडाउन में भी कितना उन्होंने वार्ड को सपोर्ट किया है, काम किया है, ऐसा नहीं कि नहीं करके, ये जो भी हुआ है ना मैं जहाँ से देख रहा हूँ ये जो भी हुआ है ना ये उन लोग प्लानिंग से आए थे करने के लिए कि हम लोग यहाँ पे झगड़ा करेंगे, नहीं तो कोई भी गटर नाले का मसला होता तो कोई भी बैठ के आके ऑफिस में बात करता अच्छे से,
यहाँ पे रोड पे नहीं करता, तमाशा नहीं करता। कब तक आएंगे मतलब अभी यहाँ पर? बस अभी आए, आएंगे आधे घंटे में आ जाएंगे। आपको और कुछ कहना चाहती मतलब ये जो झगड़ा हुआ आज, मतलब ये जो हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ आके ऐसा बेइज्जती नहीं होना चाहिए। कैसी कैसी बात कर रहे, दलाल है मेरे को भी वहाँ बोल दिया बड़े बाल वाला। मैं बोली तुम ही सिखा रहे थे, तुम ही झगड़ा कर रहे, तो बोले आपको दलाल है क्या? पूछो तो ये लड़ बैठा कि क्या मेरी खाला को बोला। वहाँ पे चौकी में मैं भी गया था, मैं खुद ही बोला, बोले आप क्या हो, बोले आप पढ़े लिखे हो, आप औरत को दलाल बोलते हो, आपको तमीज है क्या बात करने की? यहाँ पे भी आके, यहाँ पे भी आगे वो सेम लैंग्वेज यूज कर रहे थे ऐसा है तो 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 जब 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 यहाँ पे जब यहाँ पे फात भाई जब यहाँ पे फात भाई आए यहाँ पे जब फात भाई है तो उनसे भी उन्होंने बहुत ही बदतमीजी से बात की, ठीक है? तो उनको बोलते हमारे साथ में पैदल चलो, अब भी चलो ऐसा। अरे कोई किसी का यहाँ पे नौकर नौकर तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहे कि चलो ठीक है मैं आता हूँ। हमारे साथ में इस घटना से जुड़े हुए जो युवा नेता है फात आजमी जी मौजूद हो चुके हैं। फात आजमी जी, आपके ऊपर एक महिला ने एक आरोप लगाई है कि आपने उनके साथ में बदतमीजी की, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं सिर्फ इतना एक ही बात बोलूँगा कि यहाँ पे कम से कम उस टाइम पे जब मैं आया हूँ तो क्राउड रहा होगा 100 से 150 लोग। 150 लोग में से अगर एक आदमी एक व्यक्ति बोलते उस महिला से उस बहन से हम लोगों ने ज़रा भी बदतमीजी की होंगे, हमने कोई बदतमीजी नहीं किया। उसका कोई अधिकार नहीं कि मेरे घर में घुस के आके धरना और मोर्चा दे। अबू हाशिम आजमी साहब के बारे में हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, हमारे बाप सम्माने हो, अगर उनके बारे में कोई कुछ कहेगा, मेरे बारे में कोई कुछ कहेगा तो मेरे मोहल्ले के लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? मेरे मोहल्ले का एक बच्चा था सिर्फ, उसने ये कहा कि चलो निकलो यहाँ से ऑफिस में जाओ, तो उस बड़े बाल और टकले ने उसको धक्का, ये गेट देख रहे हो, ये गेट उसको लगा, उसका सर फट गया वहाँ पे। अब वो क्या कर रहे मालूम, जब उनको मालूम पड़ गया कि मेरे लोग FIR करने पहुँच गए वहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया, लेडीज़ का विक्टिम कार्ड होता है ना, जो आजकल की कुछ लेडीज़ है जो है माशाल्लाह, हमारे घर में भी लेडीज़ हैं, हमारे मोहल्ले में भी है, ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो सम्मानित महिलाएं हैं, वो कभी अपना कपड़ा नहीं फाड़ेंगी। यहाँ से जाके उस कॉर्नर पे वो सब मुझे लोगों ने बताया कि वो कॉर्नर पे जाके उस लेडी ने कपड़ा फाड़ी, वो उसने सिखाया कि कपड़ा फाड़ो, क्योंकि वो लड़के का सर फट गया था ना, इन लोग बोले चौकी जाओ, इन लोग चौकी लेके गए। फिर हमारी फरीदा आपा यहीं रहती है, पीछे रहती है बेचारी, उस आदमी ने उसको धक्का दिया, कपड़ा उसका फट गया, उसने फाड़ा नहीं होगा, फट गया होगा, लेकिन उस महिला ने अपने हाथ से कपड़ा फाड़ी ना, और मेरे पास आने का अधिकार क्या है? मैं आज के टाइम पे मैं कॉर्पोरेटर नहीं हूं, फर्स्ट। सेकंड, अगर मेरे वार्ड की पब्लिक मेरे पास आती तो मुझे समझ में आता, उनका गुस्सा जायज है, मुझे बोलने का पूरा हक अधिकार है, लेकिन ये जो महिलाएं और जो लोग आए थे NGO के नाम पे जो आए थे, ये कोई लल्लू भाई कंपाउंड का है, कोई साढ़े नगर का है, कोई चेंबोर का है, कोई कुरला से आया है, मतलब एक फिर प्लान, ये विपक्ष दल की एक साजिश है मेरे खिलाफ, मुझे बदनाम करने की। इलेक्शन अनकरीब है, जल्दी इलेक्शन होने वाला है, फाद आजमी की छवि खराब करने की एक साजिश है, इंशाल्लाह फाद आजमी की छवि नहीं करेगी। ये मेरी माँ और मेरी बहनें हैं, मैं अपने मोहल्ले में अपने समाज में अपने वार्ड में कैसे रहता हूँ ये मुझे पता है, उनको पता है। अगर मैं एक सम्मानित व्यक्ति नहीं होता, जनाब अबू हाशिम आजमी साहब ने मुझे टिकट दिया, मैं पूरे बॉम्बे में सबसे ज़्यादा ओर से जीत के आया हूँ, और माशाल्लाह महिलाओं की सबसे बड़ी रैलियाँ NRP हो गया, NRC हो गया, ये जो हिजाब के ऊपर हुआ था, मेरी वाइफ एक समझो महिलाओं का बहुत बड़ा दिवस मनाती है, हम लोग महिलाओं का बहुत अच्छे सम्मान करते हैं, और हमें मालूम है उस महिला का तो कहना है महिला विरोधी है। अच्छा वो देखिए, अल्लाह ने भगवान ने उसको जुबान दी है, वो कुछ भी कह सकती है, मैं भी उसके बारे में कुछ भी कह सकता हूँ, मुझे भी अल्लाह ने भगवान ने जुबान दिया ना, लेकिन मैं उस लेडी को नहीं जानता तो मैं उसके बारे में कोई आरोप क्यों लगाऊँ? मैं नहीं, लेकिन मुझे जो उसने हरकत की वो लेडी ने, वो बहुत गलत हरकत की है। औरत के नाम पे एक धब्बा है, औरतों को बदनाम करने की एक साजिश हो गई है, एक विक्टिम कार्ड खेल रही है, जो औरतों का कुछ औरतें जो नालायक टाइप की औरतें होती है, लड़कियां होती है जो दूसरों को फंसाने का काम करती है, ऐसी वो लेडी है। आज मैं अपनी सुनता था कि औरतें फंसा दी, हाँ औरतें फंसा दी, आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि ऐसा फंसाया जाता है। फहद आजमी जी का कहना है कि ये जो मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है ये सरासर झूठा है। मैं हैरी शेख, न्यूज़ फ्लैश, मुंबई।